सर आपके सामने हूँ सर। अच्छा, मैं त्रिनगर विधानसभा से हूँ और मेरे भांजे का पथरी का ऑपरेशन होना था। वो अंबेडकर हॉस्पिटल गए तो उनको जनवरी की डेट मिली थी। उन्होंने कहा मामू जी आपकी पहचान डॉक्टर हर्षवर्धन से है, आप चलिए। तो मैं उनको लेकर गया आरएमएल के लिए, उन्होंने फोन भी कर दिया एमएस के यहाँ, लेकिन वहां पर 4 महीने की डेट मिली। इतनी पहचान होने के बाद 4 महीने की डेट मिली। भांजे ने कहा मामू मैं अंबेडकर में वापिस चला जाता हूँ, मैं बेटा जनवरी में होता तो करा लो। तो वहां पर डॉक्टर ने उनको इतना अच्छा सुझाव दिया और डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, तकरीबन 10-12 हॉस्पिटल प्राइवेट उन्होंने दिए कि आप पथरी का इलाज जाकर किसी भी हॉस्पिटल में कराएं फ्री में। तो अब उसका ऑपरेशन एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री हो गया है। ये मैं आपसे प्रभावित होकर बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और आपको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने 5 साल आपसे अलग रह के खराब कर दिए। कौन सी पार्टी में थे? मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूँ निगम का। और एक बार ताली बजा दीजिए। और कल ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है और हमारे जितेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं, मैं इनका बिल्कुल दिल की गहराइयों से, हमारी कॉलोनी में जितने भी एंट्रेंस थी सब पे खत्ते होते थे, डस्टबिन होते थे, बच्चे आते थे पापा शकुरपुर आ गया, हमारे शकुरपुर आ गया। लेकिन अब हमारे यार दोस्त आते हैं वो कहते हैं इतनी अच्छी लाइट लगी है भाई, शकुरपुर की एंट्रेंस कहाँ है, ये तो कोई अच्छा अपार्टमेंट का एंट्री लग रही है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया, रात को आप सुई ढूंढ सकते हैं रोड पे। ये इस स्कीम के बारे में मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने ये स्कीम निकाली है। वैसे तो सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए हमने, आप जाएं तो आपका अच्छा इलाज होता है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं आपको कि किस तरह से हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट वालों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। एक हमारे कोई जान पहचान का आदमी था, उनकी वाइफ दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेंगे, उनके उनके हस्बैंड, लेडी के हस्बैंड एडमिट थे, उन्होंने कहा वो नहीं बचेंगे, आप इनको ले जाओ घर में सेवा करो। तो उन्होंने कहा सोचा कि यहाँ पे रोज 1.5 लाख रुपए का आईसीयू में खर्चा आ रहा है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, हमने उनको जीबी पंत में एडमिट करा दिया। आपको जान के ताज्जुब होगा, जिसको दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल ने जवाब दे दिया था, 1 हफ्ते के अंदर हमारे जीबी पंत के डॉक्टरों ने उसको सही सलामत करके घर भेज दिया। तो हमारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, इलाज बड़ा अच्छा है, दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, सारा ऑपरेशन का खर्चा मुफ्त है, लेकिन भीड़ बहुत है कि नहीं है। तो अब हमने ये स्कीम निकाली है जो अभी भाई साहब बता रहे थे कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो और अगर आपको 1 महीने से बाद की डेट मिलती है, डॉक्टर कहता है भाई 2 महीने बाद ऑपरेशन होगा, तो 2 महीने 3 महीने इसमें तो मरीज मरी जाएगा। तो हमने ये निकाला है कि अगर 1 महीने बाद की डॉक्टर डेट देता है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। थैंक यू वेरी मच। उधर राइट साइड में। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं बजीरपुर विधानसभा से हूँ। हमारे एरिया में पानी की बड़ी दिक्कत चल रही थी पिछले काफी 6-7 महीनों से, और हमारे गलियों में पानी का लाइन बिल्कुल आराम से बिछ गया और घर घर पानी आ गई है। आ गई है? बिल्कुल आ गई। साफ पानी आ रहा है? बिल्कुल जी। तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वही झूठ बोल रहे हैं सर। वही झूठ बोल रहे हैं सर। वही सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज, तीर्थ यात्रा कौन कौन होके आया है जरा एक दो लोग तीर्थ यात्रा की भी बता दो। कौन? नमस्ते सर। बाबूजी आप तीर्थ यात्रा गए थे? हाँ जी मैं गया था। कहाँ गए थे? वैष्णो देवी गया था। कैसा था? बहुत बढ़िया था जी। हमारे जो है त्रिपाठी जी मेरे को जबरदस्ती ले गए थे, मेरे बस का नहीं था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तिरुपति बालाजी भी करा दिया जी उन्होंने, बड़ा आनंद मिलता है और कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे साथ ही सब गए थे हम तो। दो दो जगह होया है? दो जगह होया है जी। एक अलाउड होती है तो वहाँ पे इंतजाम कैसा था थोड़ा बता दो सबको। हेलो हेलो नमस्कार सर जी। हमारे त्रिपाठी नेता नहीं बेटा है, हमारे बेटा जिन्होंने हाथ पकड़ के हमें वैष्णो देवी और तिरुपति वाला जी के दर्शन कराए। और एक बहुत खूबी बात है, हमारा पानी का बिल 50,000 रुपए था जो कि हमारे
अखिले त्रिपाठी जी ने और जो हमारे ये हमारी तिवारी जी है उन्होंने आज वो सारा काम करा दिया और मैं कैंसर पेशेंट हूँ जो कि कमाता नहीं हूँ। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ और बार बार आभारी हूँ। मैं सन 1962 से RSS का संघ में रहा और आज मैं अपने परिवार के साथ आपकी आप पार्टी में हूँ और आपके साथ बड़ा खुश हूँ। तो 50,000 का बिल कितने का हो गया? जी 50,000 का बिल कितने का हो गया? पानी का बिल हो गया था। पानी का कितने का कम कितने हो गए? पूरे पूरे माफ हो गए? नहीं जी 40,000 माफ हुए हैं, 10,000 बच गए। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पानी के बिल अभी किस किस के माफ हुए जरा से बता देना हाथ खड़े करके। ये सारी चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने ये रिपोर्ट कार्ड तो बना दिया, इसमें ये सारी चीजें डालना ही भूल गए। इतने काम कर दिए याद ही नहीं रहा ये सारे। जैसे अभी इधर भी कुछ लोगों ने बताया, उधर भी ये सारे डालना ही भूल गए इसमें। इस तरफ कुछ। हाँ जी हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिया राठौर है और मैं बल्ली मारन विधानसभा से हूँ। मुझे स्वास्थ्य के बारे में बात करनी थी। बताओ। मेरी मदर को कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पे थी। उनका बहुत इलाज करवाया, काफी प्राइवेट टेस्ट वगैरह करवाए थे, बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो लास्ट टाइम पर ये है कि 6 महीने टेस्ट के बाद उनको जवाब दे दिया था कि वो अब नहीं बचेंगी। बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो जिसमें कि मैं हिम्मत हार गई थी, लेकिन हमारे विधायक जी इमरान हुसैन जी और हमारे जो मनोनीत निगम पार्षद हैं धर्मिंदर मावर जी, उनकी मदद से मेरी मदर का इलाज हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में। वो बात अलग है कि मेरी मम्मी अब नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका इलाज हुआ। आप लोगों की मदद से और हिम्मत से मुझे बहुत हिम्मत मिली और मेरी मदर का इलाज फिर फ्री हुआ सारा कुछ। बहुत अच्छे। और कोई तीर्थ यात्रा वाले कुछ बताना चाहिए? हाँ जी बताइए। मैं बोल रहा। हाँ जी सर, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे फेस टू फेस हमारी बात हो रही है। नहीं तो 5 साल में हम भी तरसते थे कभी आपसे बात हो गई, तब बहुत नजदीक से हो रही है। और ये लोक मैं JK गुप्ता हूँ, मेरा नाम वरिष्ठ नागरिक केयर सोसाइटी हमारी यहाँ सीनियर सिस्टम संस्था 6 साल से रजिस्टर्ड है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और DP ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर आज जो लोक की अदालत है ये लगी हुई यहाँ, तो कहते ना जब कोर्ट में जाओ तो कहा जाता है गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ पे जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो सर आज मैं जो भी कह रहा हूँ वो 100% मैं सच है। जो हमारा एक सैंपल है जिस ब्लॉक को मैं बिलोंग करता हूँ DP को, तो हमारे एरिया के जो MLA वो वंदना जी हैं, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अगर मैं एक एक चीज गिनाने लगूँ तो सर आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जितनी लाइटें हैं हमारे पार्क हैं वो जो MCD वालों ने मना कर दिया इनसे सेंक्शन करवा के वो हम करवाते रहे। और आप सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस थी जो काफ़ी देर से ड्यू थी उसका काम भी हमारे मंडे शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा ये काम था। और हमारे एरिया में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन, एक मुझे थोड़ी कमी है क्योंकि मुझे मौका मिला आपसे कहने का, अब मैं कह रहा हूँ हमारी सीनियर सिटीजन संस्था के 450 मेंबर हैं जैसे आधी से लेडीज 60 से 85 साल की उम्र की, हमें आज तक कभी ग्रांट नहीं मिली, ये हमें जरूर दुख की बात है। हमें कोई आपको पहले सबको तीर्थ यात्रा करा के आते हैं उसके बाद आपको ग्रांट भी देंगे। बुजुर्गों की जितनी सेवा करो कम है। श्रीमान आदरणीय मुख्य केजरीवाल महोदय जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर कहाँ हैं आप? मैं त्रिनगर समाज से और मैं सबसे पुराना आदमी 89 ईयर्स ओल्ड में श्री विष्णु देवी भारद्वाज की मेहरबानी से मुझे कंपेल किया आप हमारी तरफ से यात्रा करिएगा तब आपका आनंद आएगा। अब मैंने आपकी यात्रा करी। कहाँ गए थे? मैं गया था तिरुपति बालाजी। बहुत अच्छे, अच्छा लगा। एसी में गए ठहरे। आपकी हर हिम्मत, मैं कहता हूँ आपकी उम्र 100 साल की हो और मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ आपकी सरकार बड़ी रहे और आगे भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं दीपाली मेहता हूँ एज ए सोशल वर्कर। तीर्थ यात्रा के बारे में मैं बताना चाहूंगी। तीर्थयात्री जब तीर्थ यात्रा करके आए तो मैं उनसे मिली, उन लोगों से मैंने पूछा तुम्हारी तीर्थ यात्राएं कैसी रही, सब बहुत खुश थे। उनमें से एक बुजुर्ग थे वो एक्सपायर हो गए, हार्ट के पेशेंट थे, अचानक उन्हें अटैक पड़ा तो वो तीर्थ यात्रा करके आए थे। उन्होंने मरते समय अपने बेटे को वचन लिया
कि जब भी इलेक्शन होंगे तो तू सिर्फ केजरीवाल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरी मेरा तू कोई श्राद्ध मत करना, कोई तेरी मत करना, मुझे ये नहीं चाहिए। जिस दिन केजरीवाल जी पीएम बन जाएंगे उस दिन समझ लेना तू मेरे स्वर्ग चला गया। अब ये डोरस्टेप डिलीवरी किसी ने सुनी है? किसी का काम हुआ डोरस्टेप डिलीवरी में? हाँ जरा सा माइक दे दीजिए, डोरस्टेप डिलीवरी जरा। बिल्कुल, डोरस्टेप डिलीवरी पे मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा नाम सफदर है, मेरा ऑफिस है यहीं पे, मैं आया हुआ हूँ। बेसिकली डोरस्टेप डिलीवरी पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे मजबूत कदम रहा है हमारी सरकार को लोगों को एम्पावर करने के लिए, और इसके थ्रू पहले 40 फिर बाद में 70 और करीब करीब 100 सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं लोगों का। आपका काम हुआ? जी बिल्कुल हुआ, मेरा एक नहीं बल्कि मैंने दर्जनों काम करवाए हैं। कौन, कौन और आस पड़ोस के लोगों के भी काम करवाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ लोगों को, जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। सो एक पूरा प्रोसेस समझा दीजिए, क्या होता है इसमें, कैसे करते हो आप? बेसिकली क्या होता था कि पहले SDM के यहाँ पे जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ता था, और नॉर्मली काम होते नहीं थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को जो है कि दलालों को पैसे देने पड़ते थे। अब जब से ये डोर स्टेप प्रोसेस 1076 का जो हेल्पलाइन शुरू हुआ था, उसके बाद से आसानी इतनी हो गई है कि हमें बस एक फोन करना है, एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है जो कि नेक्स्ट डे का या उसके नेक्स्ट डे का मिल ही जाता है, और उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव आते हैं सरकार की तरफ से होते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी लेनी होती है वो लेते हैं, फॉर्म हाथ के हाथ वहीं पे फिल कर देते हैं, और उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाता है, और बहुत ही नॉमिनल ₹50 का चार्ज लगता है घर पे आने का। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता, कोई कमीशन नहीं, किसी दलाल को कोई पैसे नहीं देने होते, और इनकम सर्टिफिकेट घर पे आ जाता है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए या घर पे आ जाए, दोनों ही तरीके मौजूद हैं उसके अंदर। समझिए सब लोग, पहले आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था काम कराने के लिए, लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, जो भी काम कराना होता था। आप दफ्तर से छुट्टी लेते थे, सरकारी दफ्तर जाते थे, वहां पे लाइनों में लगते थे, जब आपका नंबर आता था तो उसमें दो ऑब्जेक्शन लगा देते थे, फिर दोबारा लाइन में लगते थे, हार पीट के फिर आप दलाल के चक्कर में पड़ते थे, रिश्वत देते थे, और तब जाके आपका काम होता था या नहीं होता था पता नहीं। अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको एक नंबर दे दिया 1076, उस पर फोन करो कि जी मेरे को ये काम कराना है, और कोई सरकारी अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पे, और किसी का डोरस्टेप डिलीवरी में अगर इधर भी अरविंद लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम। नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी, मेरा नाम महेश कुमार है, मैंने डोरस्टेप डिलीवरी का सर्विस लिया था, 1076 पे कॉल किया, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट हुई हमारी एग्जीक्यूटिव भाई, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कराना था, और घर बैठे ही मेरा सारा काम हो गया, और जितने भी जो भी एक्सपर्ट आए थे सारा डॉक्यूमेंट मैंने उनको दे दिया, उन्होंने तुरंत ही डाउनलोड करके सारा अपॉइंटमेंट कर, सिर्फ 50 किसी को कुछ रिश्वत देनी पड़ी? कुछ नहीं, सिर्फ ₹50 जो उनका चार्ज है वो देना पड़ा, अब मेरे घर पे ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट घर पे डिलीवर हो गया। बहुत अच्छे। अब ये बताओ सड़कें किस किस की बन गई? कई लोगों की, दो चार सड़कों वालों को दे दीजिए। मैं त्रिनगर विधानसभा से, मेरा नाम पास में माइक जोर से, मैं त्रिनगर विधानसभा से हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह बैसोया है। एक में शोर नहीं, हमारा CM नंबर वन है, हमारा विधायक नंबर वन है, हमारे विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी ने त्रिनगर की 70 साल पुरानी सीवर की लाइनें, पानी की लाइनें, सड़कें, रोड सब बनवा दिए, कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी जो त्रिनगर की नहीं बनी हो। अब जैसे ये सारे काम बता रहे हैं, सारे हम रिपोर्ट कार्ड में लिखना ही भूल गए, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो त्रिनगर में नहीं किया हो, रिपोर्ट कार्ड में हम लिखना ही भूल गए। आज भी मैंने सोचा आपसे ही पूछते हैं, आज भी 6 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करके आए हैं, 600 उद्घाटन करने का अवार्ड मिलना चाहिए हमारे भाई साहब को। एक बार ताली बजा दीजिए इनके MLA के लिए। और किसी की सड़क अगर बनी है? हेलो, माइक जरा दे दीजिए। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मॉडल टाउन की एक बहुत छोटी सी कॉलोनी संजय नगर में मैं रहता हूँ, वहां सड़क पिछले 40 सालों से सड़क नहीं थी, और अगर
अखिलेश जी ने प्रयास भी करे तो एमसीडी ने बनने नहीं दी, फिर जाके डीसी तक को घेरना पड़ा आरडब्ल्यूए और लोकल लोगों की मदद से, और त्रिपाठी जी और आपके प्रयासों से वो सड़क आज इतनी बेहतरीन सड़क हो गई है और वो कॉलोनी इतनी बेहतरीन हो गई है, 2 करोड़ से ज्यादा का इतने काम, पानी, सीवर, उस कॉलोनी का नाम अब मुझे लगता है कि आम आदमी कॉलोनी, संजय नगर कॉलोनी का नाम रख देना चाहिए। सीवर पहली बार 40 साल से कॉलोनी, जल बोर्ड के रिकॉर्ड में सीवर नहीं था, 2014 के बाद सीवर डला, पानी की लाइन 2015 में डली, सड़क उसके बाद बनी, आज कैमरे वहां, बूम बैरियर, गेट, हाई मास लाइट, मतलब इतना काम हुआ। मैं एक छोटी सी कॉलोनी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सरकार का, इस आप त्रिपाठी सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सदर विधानसभा सोमदत्त शर्मा जी के इलाके से, मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं आरडब्ल्यूए से अध्यक्ष पद पर भी हूं। आप सारे काम है ना जी हिस्टोरिकल करते हो, पहला हिस्टोरिकल काम, मेरी एज 46 है, मेरे बाबूजी भी आए हुए हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, कुछ बुजुर्ग हमारे गुजर गए जिन्होंने आज से 35 साल पहले हमारी सोसाइटी में जमीन खरीदी थी पैसे से, उस 35 साल कुछ नहीं बन पाया, हमारे एमएलए श्री सोमदत्त शर्मा जी ने हमारे वहां बारात कर बनाने का वो पास करा दिया, हमारे यहाँ रोड बनवा दी, कैमरे लगवा दी, हमारे यहाँ पार्क में झूले जिमनी थे वो लगवा दिए, और हिस्टोरिकल काम, स्कूल से बच्चे आते थे, एक पुल है वहां पे हमारे यहाँ पे आनंद नगर में, तो वहां पे गाड़ी अवैध पार्किंग होती थी, भाई साहब ने वहां पे डिवाइडर बनवा दिया, अब कोई भी बच्चा उस पार्किंग में परेशान नहीं होता। कुछ रह तो नहीं गया कोई काम, अभी बहुत रह गए। जय हिंद सर। आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूं मैं सर। एक मैं बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम आपने किया है, जो कि एक भगवान के दर्जे का काम किया है आपने। क्या आपने काम किया है? दलितों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अमानवीय कार्य करने वाले सीवर में जो उतर के मौत के घाट उतर जाते थे, उनके लिए उद्धार का काम किया आपने, 10-10 लाख रुपए, जी जी 10-10 लाख का मुआवजा दिया, साथ में अब जो उनके लिए 200 सीवर की मशीनें लगाई है, ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है, और उसी में एंटरप्रेन्योर भी आपने उन्हीं को बनाया, बहुत बड़ा काम किया, और कई कई योजना SC ST समाज के लिए लाए, उसके लिए भी आपके धन्यवाद दिए। मेरा नाम सूरज भान, चांदनी चौक से, थैंक यू सर। अब क्वेश्चन लेते हैं, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, अब सबको मौका मिलेगा, आप सबने बहुत अच्छे से, हाँ बिजली तो रह गई, बिजली का किस किस का जीरो आ रहा है बिल? सर जीरो वाला बिल आज तक ना किसी ने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही रहे हैं, बताइए जो कि नहीं, महिलाओं की फ्री बस रह गई, फिर भी बस रह गई, इतने काम कर दिए जो कि आज तक ना किसी ने किए, और ना आने वाले टाइम में कोई और पार्टी कर सकती है, और हम अपनी ही रिपोर्ट कार्ड में हम अपनी ही बातें भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन का जवाब देते हैं जी, एक ये पहला सवाल है किरण, शोर नहीं, अब थोड़ी शांति रखिए, अपना नाम सुनिए, ये मॉडल टाउन विधानसभा से किरण बाप सोनकर नहीं है यहाँ पे, किरण कौन है? बोरी वो है, ये किरण जी को माइक दे इधर राइट साइड में। हेलो, सर मैं शालू दुग्गल शकूर बस्ती विधानसभा से हूँ, मैं आज ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा आज ही बिजली का बिल आया, और मैं अपने फादर इन लॉ से 2000 की शर्त जीत के आई हूँ, तो मेरा बिजली का बिल सिर्फ 30 रुपए आया है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जीरो बिल आया या कम बिल आया तो वो मुझे 2000 रुपए देंगे, तो आज मैं 2000 रुपए लेकर आई हूँ, वो डोनेट कर दीजिएगा। सर मैं हिमांशी शकूर बस्ती विधानसभा से बोल रही हूँ, वुमेन सेफ्टी के लिए बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे बस में चलाया है कि एक पुलिस वाला होना चाहिए, मेरी सिस्टर बहादुरगढ़ से सैनिक विहार ट्रेवल करती है, तो वो बस से आ रही थी क्योंकि उसको मेट्रो नहीं मिल पाई थी किसी कारण, तो बस में उसने देखा कि कोई भी नहीं है, एक मिनट शोर नहीं कीजिए प्लीज, प्लीज अभी सब ये बहुत अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही है, सब शांति रखें, सब प्लीज, सबको बस पूरी
खाने कोशिश करेंगे, तो सबको मौका मिले, सब बैठ जाएं। लग रहा था इस चीज पे, बट उसने आगे पीछे देखा कि एक एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, एंड उसके बाद वो सेफली घर ट्रेवल किया बहादुरगढ़ से पीतमपुरा तक, एंड उसको बहुत प्राउड हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने ये चीज चलाई है। बस थैंक यू सर, थैंक यू। अब सवालों के जवाब होंगे तो यहाँ पे मैडम सवाल अपना